तो मैं तुम्हें चैनल में नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ म्यूट लॉक का। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी छोटी सी बात है। फर्स्ट मैंने इससे पहले अपने चैनल्स बनाए थे ना, मीन्स मेरे दो और चैनल्स थे। मैं थर्ड पे जिस पे मैंने कहा था कि ना मैं जून में ना टॉक्सिक स्टोरीज शेयर किया करूँगी, इस पर मैंने ना फोर स्टोरीज शेयर की थी। एक माय स्टेप ब्रदर रेप मी एनिमीज और यू आर द ब्यूटी एंड आई एम द मॉन्स्टर और फोर्थ पता नहीं कौन सी थी, मुझे याद नहीं है। अच्छा जो भी थी वो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी थी और वो चैनल ना मैंने ख़त्म कर दिया, मींस उसको ना डिलीट कर दिया। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका नेम है वंक्शन एंड BTS 2, ठीक है। और गाइस आई नो आपको सैड स्टोरीज नहीं पसंद, इसलिए मैं ना अब सीजन 2 लेके आ जाती हूँ जिस जो उनसे सैड स्टोरीज होती हैं। बट उधार ये चलते रहते हैं ना, उतार चढ़ाव, तो आप क्यों फिक्र करते हैं, इसलिए वजह से तो मैं सेकेंड वो लेके आती हूँ। बट यू नो व्हाट गाइस, आपको शायद पता हो शायद नहीं पता कि मुझे ना सैड स्टोरीज बहुत पसंद है। मींस सैड एंडिंग जिसमें ना जो इनोसेंट बोटो हो उसकी डेथ हो जाए और ना जो टॉप हो ना उसको रिग्रेट हो बाद में जाके जब उसकी डेथ हो जाए, मुझे इस तरह की ना एंडिंग्स पसंद है। अच्छे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बकबक हो गए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि यूंगी वहाँ से चला गया था और जो जिमिन होगा वो ना थोड़ी देर के लिए ना वहीं लेट जाते हैं, बिल्कुल अपनी आइज क्लोज कर लेते हैं और ना ऐसे 10 मिनट्स बाद ना उसको ना बिल्कुल शवर का डोर ओपन होने के ना वैसे आते हैं। तो वो सामने देखते तो ना यूंगी खड़ा होता है जिसने ना अपने बिल्कुल बाथरूम से ना खुद को ढका होता और अभी भी ना ऐसे छुपाने का कोशिश कर रहा था। तो फिर ना जिमिन बस उसकी तरफ देख रहा था और फिर ना वो एक कोल्ड वॉइस में बोलते हैं कि खुद को छुपाना बंद करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो फिर ना जो यूंगी था वो फौरन रुक जाता और ना जैसे अपने हाथों से ना बिल्कुल कवर कर रहा था अपने थाइस वाली एरिया को और अपने चेस्ट वाली एरिया को, तो वो फौरन ना छोड़ देता है और बिल्कुल हैंड स्ट्रेट करके ना वहाँ से ना वार्डरोब की तरफ आ जाता है। और ना ये देखे ना जो जिमिन होता है वो ना एक सॉफ्ट स्माइल करता है, हाँ वो सॉफ्ट स्माइल थी एज यूंगी ने फौरन उसकी बात मान ली थी बगैर कोई उसको ना डिनाई किए। तो फिर ना यूंगी की तरफ ना जिमिन देख रहा था, तो फिर ना जो यूंगी था वो अपना वार्डरोब में अपने कपड़े देख रहा था तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था, उसको समझ नहीं आता वो कौन से पहने और ना वो बस देख रहा था कन्फ्यूज हो गया। तो फिर ना जो जिमिन तो वो बस कुछ देर तक यूंगी को घूरते और उसके वो ना बिल्कुल पीछे से आके ना उसका ट्राउजर्स और ना टी शर्ट ऐसे पोजी से उठा के देता है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो जैसे ही ना फील करता है जी उनको अपने पीछे, तो बस ना वहीं पर स्ट्रेच बन के खड़ा होता है। उन्हें यूंगी को ना इस तरह देखा ना जी मैंने फील कर लिया था कि वो पीछे मुड़ने लगा था और वो कितना ज़्यादा नर्वस लग रहा है ऐसे, उसको ना हल्का हल्का सा ना वो शेक कर रहा था। तो फिर ना जो जिमिन होता वो बस हल्का सा ना ऐसे स्लाइट स्माइल रहता है और उसके ना बिल्कुल नेक पे किस करके उसको ना बिल्कुल टर्न कर देता है अपनी तरफ। तो फिर ना जो यूंगी था वो बस जिमिन की तरफ ना शोकाई से देख रहा था और जिमिन ना उसका स्लोली ना बिल्कुल आगे से जो नोट होता है वो ना ओपन कर देता है बाथरूम का और जो यूंगी था वो फौरन अपना फेस नीचे कर लेता है। तो जिमिन कहते हैं मेरी तरफ देखो मेरी आइस में। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना बिल्कुल इनोसेंटली ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन कहते हैं कि तुम्हारे क्लोथ्स में चेंज करा देता हूँ। तो ये बोल के ना वो बिल्कुल उसको बाथरूम उतार देता है बट एक दफ़ा भी यूंगी की तरफ दिखता नहीं है और उसको ना क्लोज बना देता है। बस दोनों का ना आई कॉन्टैक्ट होता है और ना यूंगी को बहुत ज़्यादा ब्लश भी रहता है, फुल फेस रेड हो गया था उसकी नेक और उसका ना ईयर्स भी बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। उसने ना अपने आईज को बिल्कुल भी एक वक्त एक ना मिनट के लिए भी ना जिमिन से हटाया नहीं था और जिमिन ना ये चीज़ फील करते उसको ना बड़ा अच्छा लगता है कि उसका हस्बैंड उसकी बात मान रहा है, उसको वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो उसकी बात मानते हैं। तो फिर ना वो यूंगी की तरफ देखते हैं, जब वो यूंगी को अच्छे से क्लोज बना लेते हैं तो ना बिल्कुल उसकी तरफ देखते और उसके नोज पर किस करके ना वहाँ से चला जाता और जो यूंगी तो वहाँ ना गिर गया इस सांस ले रहे थे उसको ना
अपना हस्बैंड ना थोड़ा सा वियर्ड लगता बट अच्छा भी पसंद आता है उसको अपना हस्बैंड। और वो ना बस वहाँ पे ना एक इडियट की तरह ना थोड़ा सा ऐसे ना स्माइल करने लग जाता है, बिल्कुल ब्लश हो गए। और नहीं यहाँ जीवन जो करके ना बस अपना कर रहा था खुद वो ना बिल्कुल साइलेंटली काम करने का कोशिश करता एज वो ना जीवन क्योंकि ये बारे में सोचा हुआ ना खुद को काम कर रहा था। जब उसने उसकी बॉडी को टच किया तो वो अपने आप के अंदर ना अराउजल फील करता था और वो सोच रहा था कि मैं कितना ज़्यादा गड्ढा डिमांडेड हूँ और वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। वो ये सोचता और फिर ना अपने माइंड में ना हल्का सा चकल करता है और फिर ना ऐसे हाफ आवर बाद बाहर आ जाते तो देखते कि ना जो यूंगी है वो ना वहाँ पे बिल्कुल बेड पे ना बैठा हुआ है, लेटा नहीं हुआ सिर्फ बैठा हुआ है। और फिर जिमिन की तरफ देखे ना एक सॉफ्ट स्माइल करता है और ना उसको देखे ना ऐसे अपनी कभी इतनी प्यारी स्माइल करता है। तो फिर जो जिमिन तो बिल्कुल उसके पास आता है और फिर ना उसके सामने आके बैठता और फिर ना एक रूड वॉइस में बोलता है हंसना बंद करो। तो फिर ना जो यूंगे तो वो फौरन ना हंसना बंद कर देता है, जिमिन कहता हंसो वो इस तरह बोलता है। और फिर ना जो क्योंकि तो वो ना थोड़ा घबराते हैं ना हंसने लगता है तो फिर ऐसे ना स्माइल करता है तो फिर ना जो जीवन होता है वो ना हंसने लगता है। और फिर कहते हैं ना तुम बिल्कुल एक रोबोट की तरह मेरी सारी बातें बन रहे हो, वो इस तरह बोलता है और हंसने लग जाता है। कहता कहते हैं जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो करो, ये बोलता है। और उसके ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और ना यूंगी को ना बहुत ज़्यादा वो हो गया था, बिल्कुल उसका ना हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। उन्होंने जिमिन की तरफ बस देख रहा था और जिमिन ना कुछ कहता नहीं, उसको हल्का सा ना बेड पे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है बट साइड पर लेट जाता है। बिल्कुल साइड पर लेट के ना उसको बैक से हकड़ लेता और जो यूंगी था वो तो फुल शौक थे जिमिन के ना एक्शन से और जिमिन कुछ बोलते नहीं और उसके ना बिल्कुल बिल्कुल चेस्ट में ना ऐसे अपने आप का अपना फेस ना बिल्कुल रक करता और उसके बाद ना सो जाता वहाँ पर। और ना जो यूंगी था होपफुली शौक था बट उसको ना कुछ नहीं पता। अपने हस्बैंड का जब स्नोरिंग का वॉइस आता था तो फिर ना वो काम हो जाता और उसको ना बिल्कुल मेलोडी लग रहा था तो वो भी अपनी आइज क्लोज करता तो उसको भी अच्छा लगता और वो सो जाता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जिमिन को देखते हैं जो कि ना बिल्कुल यूंगी के फेस टू फेस था, बहुत ज़्यादा क्रीप था, उसके ऊपर ना ऐसे हल्का सा चढ़ा हुआ था, सिर्फ अपना फेस आगे किया था और एक हाथ उसके चेस्ट के ऊपर रखा था और वो ना जोर से बोलते हैं यूंगी। तो फिर ना जो यूंगी के ना आइज ओपन नहीं होता तो वो फिर से जोर से चिल्ला के बोलते हैं पार्क यूंगी। तो फिर ना जो यूंगी था वो बिल्कुल एक जर्क से उठ गया, अचानक से जो बोला था तो ना जिमिन जिमिन की वजह से ना वो डर गया था, फिर ऐसे जो उठे तो उसको बहुत जोर का ना जिमिन के हेड से ना दोनों टकरा जाते और ना उसके हेड पर बहुत जोर से लग जाती है। और जब वो फील करते कि उसको लगी तो वो फौरन पीछे उनके ना जिमिन की तरफ देखने लगते और फौरन उसके ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास हो जाता है, दोनों की नीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टच हो रहे थे। और ना जो यूंगी है वो ना बिल्कुल जिमिन का जो हेड था मसाज करने लगा था, उसको अच्छे से पता नहीं लगा था कि कहाँ हुआ बट उसके ना फोरहेड जहाँ पे लगा था ना वहाँ से रेड हो गया था तो उसका आइडिया होगा तो वहाँ पर ना वो बिल्कुल हल्का सा ब्लो भी करा तो उसको ना रब करा था। और ना जिमिन बस यूंगी की तरफ देख रहा था और फिर ना यूंगी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ना यूंगी ना जिमिन की तरफ देखने लगता है और फिर ना ऐसे बार बार ना ऐसे अपना हेड नीचे करके ना सॉरी बोलने लगता है, एक्चुअल में वो सॉरी बोल रहा था। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो हल्का सा ना यूंगी को थोड़ा सा पुश करता है और फिर ना उसके हेड की तरफ देखने लगता है और फिर कहते हैं ना ये करना बंद करो तुम्हें भी लगा है इधर दिखाओ अपना हेड, ये बोलता है। और उसके ना बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है अपना जो यूंगी को ना अपनी आइज के ऊपर जिमिन का ना वो फील हो रहा था, बिल्कुल अपने ब्रीथिंग फील हो रहा था और वो अपने आइज को क्लोज कर लेता और ना जिमिन बस देख रहा था कि उसको कहाँ लगी है। तो उसको ना उसका भी थोड़ा सा ना ऐसे फोरहेड से भी थोड़ा सा ऊपर वाले साइड पर ना हो गया था, रेड रेड हो गया था। तो जिमिन ने उसके स्लोली बाल हटा के ना उसको हल्का सा रब करने लगते और जिमिन यूंगी को ना वो टच काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे काम लगता है और फिर ना वो अपने आइज क्लोज किया हुआ था। और जिमिन जब वो हो जाता है कि उसको फील होता है कि अब शायद यूंगी को पेन नहीं आ रहा तो वो पीछे हटता और जब जिमिन को जब यूंगी को जिमिन ऐसे देखते हैं तो उसको फील होता है कि ना जो यूंगी है वो अपने हस्बैंड को ना हस्बैंड के प्रेजेंस को ना फील कर रहा। तो फिर ना वो बस उसकी तरफ कुछ देर तक देखता है और फिर ना उसके कान में ना एक डीप हस्की वॉइस में बोलते हैं जाओ जाके ब्रेकफास्ट बनाओ। तो ना यूंगी कुछ बोलता नहीं और ना सीधा सर हाँ मिला के ना
फौरन वहां से ना जाने लगते, तो फिर यूं जिमिन कहता है कि तुम पहले फ्रेश अप नहीं होगे, तो यूं ही ना इशारा करके बोलते हैं कि ना पहले मैं ना ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तो ना जो जिमिन होता है वो ना उसकी तरफ कुछ देर तक घूरता है और फिर ना बेड से उतरता है। और ना जो जिमिन होता है जिमिन को ना इस तरह करते देखे ना यूं ही साइलेंट होता है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करने वाला है। तो ना जिमिन बस स्लोली यूं ही के पास आता है और उसका हैंड पकड़ता है, उसको ना वॉशरूम में लेके आता है और बिल्कुल सॉफ्टली, उसको ज़्यादा रफली नहीं लेके आता, उसको लेके आता है और फिर ना वॉशरूम में खड़ा देता है और उसके ना स्लोली क्लोथ रिमूव करने लगते हैं। और ना यूंगी कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, एज जिमिन ने उसे ऑलरेडी कहा था कि मुझे जब भी मैं तुम्हारे पास हो तो मुझे डिनाई नहीं करना। और ना यूंगी जिमिन भी समझ आया था कि जो यूंगी है वो उसके ना रूल्स मान रहा, तो वो ना बस स्माइल कर रहा था एक इडियट की तरह वो खुद भी। और ना उसके बाद उसके क्लोथ को उतार देता और अब वो उसने रात को भी ज़्यादा गौर से नहीं देखा था जिमिन को, यूंगी को, एज दोनों का आई कॉन्टेक्ट था, बट अब वो उसको देख रहा था और ना बस उसको फुली ना स्टेयर करता। और जो यूंगी होता वो बहुत ज़्यादा ना अपने ऊपर शेम फील करता, तो उसको ना काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था, शेम फील हो रहा था। और एज वो अपने हस्बैंड के सामने ऐसे खड़ा होता है, ऐसे पहले कभी किसी के सामने खड़ा नहीं होता, तो उसको ना बस वेड फील होता। तो ना जिमिन बस उसके एयर के पास आके बोलते हैं तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें सारी लाइफ मैं देखने वाला हूँ, तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा मुझसे ऐसे ब्लश फील करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही शेम फील करने का। मैं तुम्हारी बॉडी का ऑनर हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज़ का ऑनर हूँ। अगर तुमने कभी किसी और को ये राइट दिया तो मैं उसको भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। तो फिर नहीं उसकी ये धमकी सुन के ना यूंगी होता वो ना बिल्कुल शिवर करने लग जाता है। तो फिर नहीं जिमिन उसकी तरफ देखता है, उसको ना कुछ बोलता नहीं और अपने भी क्लोज उतार देता है। और जब यूंगी जिमिन को देखता है तो वो फौरन अपना फेस टर्न कर लेता है और ना जिमिन इस दफ़ा उसको कुछ बोलता नहीं और फिर ना उसको खुद फिर खुद ही उसको ना बात दिलाता है और खुद भी लेता है और फिर ना उसको खुद ही क्लोज पहना के अपना वो कर लेता है, खुद भी बाथरूम पहन के उसको क्लोज पहना के ना भेज देता है वहाँ से। और फिर ना जो यूंगी तो वो बिल्कुल भागते हुए ना नीचे आ जाता है और फिर ना गिरे गिरे सांस लेता है और फिर ना अपना ब्रेकफास्ट बनाने लग जाते हैं जिमिन के लिए। और फिर ना जिमिन भी कुछ टाइम बाद ना नीचे आता है तैयार होके, बिल्कुल ऑफिस है ना ऑफिस के लिए तैयार होके आया था। और ना यूंगी बस उसको देख रहे तो माइंड में सोचता है कि आज उनका वेडिंग का फर्स्ट डे है तो जिमिन को घर में नहीं होना चाहिए था। तो ना उसके फेस से ना ये चीज़ पता चली थी। तो ना जिमिन बस उसकी तरफ कुछ देर तक घूरता और फिर कहते कि ना मुझे एक मीटिंग है, इस एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ और आगे 1 मंथ के लिए मैं घर में ही रहूँगा। तो फिर ना जो यूंगी ना सर नीचे कर लेता है और फिर ना सर हाँ मिला देता है। तो फिर ना जो जिमिन होता कुछ बोलता नहीं और फिर ना उसके आगे ना यूंगी ना डिनर सर्व ब्रेकफास्ट सर्व कर देता है और वहीं खड़ा हो जाता है। तो जिमिन बोलते तुम्हारा कहाँ है, तो फिर ना जो यूंगी ना फौरन अपनी प्लेट भी लेके आता है उसको रख देता है। और ना जिमिन के ना बिल्कुल सामने बैठने वाला था बट उसको खींच के ना बिल्कुल जिमिन ना अपने साथ वाली चेयर पर बैठा देते हैं, कहते यहाँ बैठ के खाओ, ये तुम्हारी जगह और यहाँ के अलावा तुम कहीं और नहीं बैठोगे जब भी ब्रेकफास्ट या डिनर लंच करना होगा। तो फिर ना जो यूंगी सर हाँ मिला देता है और फिर ना उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ना जो यूंगी जिमिन होता है वो वहाँ से चला जाता है। बट ना फौरन ही ना 2 मिनट बाद वापस आता है और ना यूंगी के बिल्कुल पास आता है और उसके ना बिल्कुल हल्का सा ना दोनों ऐसे लिप्स पे और उसके ना हल्का सा उसके लिप्स पे पैक करता है और उसकी दोनों आईज पे किस करके वहाँ से चल जाता है। और ना जो यूंगी था ना वो ना स्माइल करता है, ऐसे उसका हस्बैंड थोड़ा सा क्रेजी पर्सन की तरह एक्ट कर रहा था बट वो बहुत ज़्यादा स्वीट भी था, उसका केयर कर रहा था। और ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करती हूँ। टाटा बाय।